अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल है? ठीक हो? तो बस ठीक है, मैं हूँ आपका भाई खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर। तो कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मैंने यहाँ पे राया की फसल लगाई थी। ठीक है जी, आज इसकी कटाई हो रही है। पहले हम 5 एकड़ कटाई कर चुके हैं और ये 3 एकड़ यहाँ पे बच्चे खड़े थे, इसकी कटाई हो रही है। और आगे और भी है, वो है सुपर राया, उसकी कटाई अभी देर है, लेकिन लगाया एक ही दिन में था। ये देखें, और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फली पक चुकी है, हाथ लगाएंगे ये गई, ये गई, ठीक है जी। और ऊपर जो है वो कच्चा खड़ा है और कई किस्म के यहाँ पे पौधे हैं, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल कच्चा खड़ा है, ये पक चुका है, और ये देखें, ये देखें, ये नीचे कच्चा खड़ा है ना, है ये देखें, और इसे हाथ लगाएंगे ये गई, ठीक है। तो अब काफी नुकसान हो रहा है, चलें अल्लाह खैर करे। अब हम भी कच्चा कटवा रहे हैं, कच्चा कटवा के जो बीच में खड़ा है उसे कटवा के फिर रखते हैं, चलो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। ये देखते हैं, ये बिल्कुल अब तैयार है, ठीक है। और ये देखिए, और वो ट्राला लोड हो रहा है। अच्छा, पूछना ये था एक्सपर्ट हजरात से, क्योंकि हम तो पहली दफा ही लगा रहे हैं, इसका क्या बनेगा? ये जो दाना है छोटा बारीक, इसका क्या बनेगा? ये पक जाएगा? पीछे वो वही पौधा है, पीछे वाला ये पक के बिल्कुल तैयार है और आगे कच्चा है। चलें जी, ये हमने सितंबर में लगाया था, मे बी इस वजह से है क्योंकि नीचे पक चुका है ऊपर कच्चा है। तो मेरे ख्याल में इसकी कटाई कर देनी चाहिए क्योंकि नीचे वाला जो है वो ज़ाया ना हो और ऊपर जो फोट है या नया है कुछ पक जाएगा, दब में रख देंगे इंशाल्लाह पक जाएगा। अगर आपके जहन में भी कोई है तो जरूर कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफिज।